गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर। यहाँ पे तुम मतलब दिन में आओगे ना सुबह के टाइम पे, बड़ा ही प्यारा व्यू आएगा, बड़ा ही प्यारा व्यू आएगा। देखो कितना मस्त व्यू अभी भी है ना, बहुत अच्छा व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चाइना की लोंडी है लड़के हैं भाई, ये ना मतलब देखो ज्यादा मतलब बातचीत नहीं करते कि इसे भाई मेरे ना मतलब 5-6 दिन हो गए मेरे दारू पारू सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पी है। देखो अभी मेरी शक्ल सही हो चुकी है, मतलब 3 दिन बुखार में पड़े रहने के बाद में शक्ल के ना मेरे 12 बज गए थे अब। है गाइस के दास से लोग आज एक नए ब्लॉग में फिर से वेलकम है। तो दोस्तों यार 3 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा हुआ था मुझे, जुकाम था खांसी थी, तो इतना ब्लॉग मैं बना नहीं पाया था, मतलब ब्लॉग करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। बट आज जो है फीवर वीवर सारा कुछ सही हो चुका है और अभी फिर से दोबारा अच्छी वाली एनर्जी आ गई भाई बॉडी में। तो अभी जो बज रहे हैं शाम के 8 और शाम का नहीं यार रात का 8 बज गए और अभी मैं जाने वाला हूँ अरन्या के साथ एक काफ़ी बड़ी मार्केट में, उसका नाम जो शायद एशियन मार्केट है। तो अरन्या ने मुझे सुबह मैसेज किया था कि आज वहाँ पर जाना है, तो मैंने बोला था ठीक है चलो आज जाएंगे, बट मैंने कंफर्म नहीं बोलता कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोपहर मतलब मेरी तबीयत ऐसी थी फुली अच्छी हो चुकी है, पावर आ चुकी है बॉडी में, तो आज फुल भयंकर भाई भोकाली और नवाली है, रात को पलक तोड़ काम होगा आज। तो अभी चलिए मैं बाहर जाता हूँ अपने होटल के रूम से और अरन्या रेडी हो रही है, उसने कॉल किया था मुझे तो रेडी हो रही है, फटाफट उसका वेट करता हूँ थोड़ा नीचे जाके वो आएगी तो फट उसके साथ मैं बोल्ट एग्रैब से बाइक वाइक बुक करके जाऊँगा सीधा सुपर मार्केट। तो अभी जिस होटल में रुका हूँ ना मैं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि देखो शूज़ ना बाहर उतारने पड़ते हैं बाहर होटल के, और ऐसा ना आप कभी भी जाओगे जापान जाओगे चाइना जाओगे तो मोस्टली आपको ऐसे देखने को मिलेगा होटल्स में या गेस्ट हाउस में, या आपको शूज़ बाहर उतारने उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। तो भाई ये सामने मेरा होटल जिस होटल में रुका हुआ और कुछ इस तरह का व्यू इसका दिखता है और देखो काफ़ी सुनसान है, बट ये जो होटल है ना काफ़ी अच्छी जगह पर है, लोकेशन काफ़ी अच्छी इसके होटल की, और इस होटल के आसपास ना बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो तुम्हें पता है दोस्तों मेरा वैलेंटाइंस डे यहाँ पर कैसे बीता थाईलैंड में, मतलब 14 फरवरी का जो दिन था मेरे लिए सबसे मनहूस बीता है भाई, मतलब इतना ज़्यादा बुखार था मुझे और खांसी जुकाम मेरे लगे पड़े थे, तो मैं बेड से उठ नहीं पाया, मतलब बेड पर ही पड़ा था मैं पूरे दिन। बस कल शाम मतलब अरन्या मुझे दवाई लिवाने गई हॉस्पिटल, तो दवाई लेने गया मैं, फिर वहाँ से मेडिसिन ली मैंने और मेडिसिन वगैरह खाई तो फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ मुझे। हाँ देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी यहाँ हॉस्पिटल में दवाई लेने जाओगे ना तो ओरिजिनल पासपोर्ट अपना और वीज़ा ज़रूर लेके जाना, बिना उसके मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो मेडिसिन वगैरह लेके आ गया था कल वहाँ से, फिर कल मेडिसिन खाई, सुबह मेडिसिन खाई, दोपहर मेडिसिन खाई, तो अब मतलब ठीक है, तबीयत सही है। तो दोस्तों इस तरफ जो है ना सामने जो देख रहे हो आप, ये पूरा नाना प्लाजा वाला एरिया है, पूरा गली वही है ये भाई। देखो अभी मतलब आईफोन से शूट कर रहा हूँ, आईफोन से मतलब अच्छा वीडियो आता है, बट देखो अभी तुम जैसे वाइड एंगल में शूट करोगे ना रात का वीडियो तो थोड़ा सा क्लियरिटी कम आएगी वाइड एंगल, बट देखो अभी जैसे जूम करूँगा ना तो क्लियरिटी अच्छी आती है रात के में, मतलब आईफोन में रात में अच्छी आती है। बट देखो जैसे मेरे पास मतलब ये है ना गोप्रो है, गोप्रो कैमरा, उससे क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आती। गोप्रो से तुम दिन में शूट करो वीडियो, रात में शूट करो, मतलब वीडियो की ना लगी पड़े रहते हैं एल। गोप्रो तो भाई मैंने फेल कर दिया, मतलब बकवास कैमरा एकदम, ये बहनचो देखो बुड्ढे बुड्ढे जवान जवान लोने को लेके जा रहे हैं रात में यहाँ पे। देखो अभी मेरी शक्ल सही हो चुकी है, मतलब 3 दिन बुखार में पड़े रहने के बाद में शक्ल के ना मेरे 12 बज गए थे, अब शक्ल सही हो गई है, अब मतलब शक्ल पे ना थोड़ी एनर्जी है अभी सही, लाइक माई फेस इज लुक गुड, मतलब भाई अब मेरी शक्ल ना सही हो गई, वरना शक्ल ना मेरी लग गए थे, मतलब शक्ल अच्छी खासी थे पूरे ऐसी हो गए थे बहुत बेकार, ऐसा पूरा मुरझाया चेहरा मतलब बेकार, अब थोड़ी लग रही एनर्जी मतलब आगे चली गई, अब तुम देख भी रहे हो मतलब बोलने में मेरा एनर्जी है ना, बोलने में भी एनर्जी महसूस हो रही है तुम्हें, वरना मैंने 2 दिन पहले व्लॉग डाला था ना, मैंने बोलन नहीं जा रहा था भाई मुझसे। अभी अरन्या बुक कर रही है ग्रैब से मोटर बाइक, एक मोटर बाइक पर जाएंगे हम दोनों, तो यहाँ पर देखो अगर तुम्हें एक मोटर बाइक से दोनों को जाना है ना तो मतलब एक ही बुक कर सकता है बंदा, बस जैसे 60 बार या 70 बार बता रहे तो वही मतलब डबल लेगा वो, एक से ही जा सकते हो तुम दोनों, अभी हम दोनों मतलब साथ में जाएंगे।
दोस्तों भाई फाइनली आ गए हैं इस मार्केट पे। इसका नाम है एशियन मार्केट और ये जो मार्केट ना भाई हमारे होटल से लगभग 10 किलोमीटर थी, तो लग गया मतलब 1 घंटा तो लग ही गया पूरा यहाँ पहुँचने में। और मोटरसाइकिल वाले भैया ने लिया हमसे 160 भाग और पहुँचा दिया वहाँ यहाँ पर। चलो आपको मार्केट दिखाते हैं ना पहले। तो ये भाई देखो मतलब एशियन मार्केट है, यहाँ पर कपड़े हैं, बोर्ड है एशियन स्टेट। नो आई डोंट वांट टू ईट फिश। नाउ तो देखिए यार अब मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है आगे जितने भी आएंगे। 2-3 दिन से यार मतलब व्लॉग हो ही नहीं पाए थे, मुझसे मतलब एनर्जी नहीं थी बॉडी में बिल्कुल भी, बोलने का मन नहीं कर रहा था, व्लॉग क्या बनता, कुछ नहीं बनता। अब मतलब एनर्जी आ गई है दोबारा शरीर में। भूख लग रही है यार, मतलब भूख लगने लगी है मुझे, मतलब बज गए ना रात के 9 बज गए तो भूख वूख लग रही है अच्छी। कुछ खाना पीना है पहले यहाँ इस एशियन मार्केट में, देख लो नज़ारे थोड़े से। इट्स लाइक मसाज, इधर अलग अलग तरह की मसाज होती है भाई यहाँ पे। अभी ना अभी पीछे एक तुमने देखो फिल्मों में या उसमें वीडियोस में देखी होगी, एक मसाज होती है जिसमें मतलब वो डालते हैं ना, अरे पैर डाल देते हैं अपने, पैर डाल देते हैं नीचे, फिश रहती है नीचे, है ना, वो वाली मसाज चल रही थी भाई पीछे अभी। रुको यार अपना थोड़ा तो बाद में दिखाऊंगा तुम, आज पहले कुछ मज़ेदार मसालेदार कन्याएं देख लो। अच्छे व्हाट यू वांट टू स्वादिका। हेलो हेलो स्वादिका। अरे देखो मेरा तो 14 फरवरी परसों नहीं बन पाया, तो आज तुम्हारा भाई उद्घाटन करेगा उसका, आज पलंग तोड़ जवानी। के मजे लिए जाएंगे, पलंग तोड़ जवानी के मजे लिए जाएंगे, आज 14 फरवरी मनाया जाएगा। ये देखो यहाँ है या घूमना है आप लोगों को, कभी भी तो आ जाना यहाँ पे है ना, अच्छी जगह है। और गोरे रंग पहनो इतना घुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा टकटक टकटक। तो दोस्तों मैंने जो है नया गिफ्ट ले लिया था परसों ही वैलेंटाइंस डे का, बट मेरे जो है लगे पड़े थे अच्छे वाले, तो मतलब मैंने मना तो नहीं पाया वैलेंटाइंस डे। आज मनाया जा रहा है, आज घुमाने लेकर आया हूँ इनको, घूम रही है, गिफ्ट इनका ले लिया रहे हैं पहले ही, बाकी आप समझ गए होंगे जो काम होता है वैलेंटाइन डे को वो आज किया जाएगा, क्योंकि मुझे चढ़ा हुआ था बुखार और मैं वो सब काम नहीं कर पाया। मतलब मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, वो क्या करता, समझ गया ना तू। तो आज पूरी पूरी जान है शरीर में सारा कुछ करने की भाई। मैंने ना मतलब 5-6 दिन हो गए मैंने दारू पारू सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पी है। ओ भाई सामने देखो मतलब पूरा एक जहाज खड़ा है यहाँ पे भाई, यार इस जगह दिन में आना चाहिए था, मतलब दिन में आता तो और अच्छे व्यूज आ जाते, मतलब फोटो वगैरह बढ़िया आते हैं। इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी अरण्या कुछ खाने के लिए चूज कर रही है, अरण्या जो कुछ खाना है खाएंगी ऑर्डर कर रही है। यहाँ पे सब अवेलेबल है, मतलब बीफ चिकन फिश सारा कुछ अवेलेबल है, देख लो दूर से दिखाता हूँ, पिज्जा विज्जा भी है। तो ये चूज कर रहे हैं क्या खाना है भाई इनको। ये देख लो, ये डाल देना लोकेशन पे तब भी यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं ना। हाँ भाई यहाँ पे कुर्सियाँ मिली, स्पेशल कुर्सी है भाई ये। तो भाई देखो ये रेस्टोरेंट है मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बहुत सारे अंकल जी अपनी मैडमों को लेके बैठे हैं, दारूबाजी कर रहे हैं, चुम्मा चाटे कर रहे हैं रेस्टोरेंट में ही भाई, यहाँ पे खुला चल जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको चुम्मा करना है नहीं बंदी का तो खुले में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे पीछे ऊपर कौन बैठा तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
तो भैया रजनी ने जो ऑर्डर करा है वो किया है चिकन और बीफ और लगभग 200-200 बात का है और 100-100 बात के जूस है दोनों। तो यहीं पे खाना होगा आज रात का, मतलब खाना यहीं पे खाया जाएगा। थोड़ा यार महंगा है मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट है ना, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, तो ये चक्कर है यहाँ पे। और फिर दोस्तों भाई खाना वाना खा के वहाँ से आ चुके हैं और भाई अच्छे खासे टूरिस्ट है यहाँ पे, अच्छे खासे घूम रहे हैं। तो रात है मतलब बोट वोट का टूर कराते हैं पूरा, पार्टी वार्टी दारूबाजी हुई होती है, तो 700-800 बाहर का टिकट मिलता है इसका, महंगा मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव। ये देखो ये ये भी चल रहा है भाई यहाँ पे। ओ भाई सामने अच्छा कहा था, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों वाली हरकत कर दी है, तो इस पर बैठ जाओ। यू वॉन्ट टू डू दिस? अरंडा बोल रही है कि हिंडोला में चढ़ना है। नहीं भाई मेरी हिंडोले से बहुत फटती है, मैं हिंडोले में नहीं बैठूंगा। मैं मुंबई में एक बार हिंडोले बैठ गया था इतने बड़े वाले में, इतने बड़े हिंडोले में एक बार बैठ गया था मुंबई में, और भाई मेरी जो चिक्के निकले, मेरी जो चिक्के निकली उस पर मेरे बच गई, हिसाब तो नहीं निकला था, पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई हिंडोले बैठ गई थी। तेज चढ़ा रखा उस बंदे के लिए, तेज चढ़ा रखा। मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि भाई हिंडोले में आज के बाद बैठूंगा नहीं कभी भी। और देखो ये तो मतलब अच्छा खासा बड़ा है, तुम्हें अगर बैठना है तो यहाँ पे देखो इसका सामने टिकट मिलता है, सामने इन्होंने बना कर रखा टिकट काउंटर, सामने टिकट लो बैठो और इसका मजा लो बाहर ऊपर जाके, ठीक है। पूरा व्यू भी देखने को मिलेगा पूरे तुम्हें सिटी का, और मस्त एकदम मज़ा आ जाएगा भाई बैठ के। मम्मी मम्मी घूम रही है मम्मी। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चाइना की लोली है लड़के हैं भाई, ये ना मतलब देखो ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करते कि इसे तो इनके ऊपर हम एक गाना गाना चाहेंगे, गोरी गोरी चाइना वाली लड़के के इसलिए पार्क गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, डंग 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 गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, डंग डंग गोरा रंग दो दिन में चल जाएगा, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर रे, ओ गोरा रंग दो दिन में जल जाएगा। रुको व्यू दिखाता हूँ मैं सामने का, देखो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर दे, ये देखो यहाँ पे तुम मतलब दिन में आओगे ना सुबह के टाइम पे, बड़ा ही प्यारा व्यू आएगा, बड़ा ही प्यारा व्यू आएगा। देखो कितना मस्त व्यू अभी भी है ना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई। तो दिन में आ जाना, बहुत प्यारा व्यू आएगा। ऐसा बोट वोट चलती है सामने सब, ये आई एम टॉकिंग लाइक बोट एंड अबाउट डे टाइम व्यू। और मतलब देखो कितना मस्त चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग है, ऐसा बढ़िया व्यू आएगा, इधर पूरा देख लेना तुम। मतलब रात में भी आ जाना, पर दिन का ज़्यादा बेटर रहेगा, फोटो वोटो लेना तुम्हें, वीडियो लेनी है मस्त मस्त, फिर दिन में आना। व्लॉग बनाना है हमका, व्लॉग बनाना है, आप हमका मोबाइल दे दीजिए भाई। अरण्य जो है मोबाइल पकड़ दिया, फोटो का बहुत शौक होता है भाई। नथिंग आई एम सेइंग दैट मैनी गर्ल्स लाइक टेकिंग फोटो, मैनी गर्ल्स लाइक टेक फोटो मैनी। ओ भाई
भाई एक चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे भाई, जितने भी अब इधर के होते हैं जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ की लड़कियाँ भाई शरीर को बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रख के फिट रखती है। इनका शरीर एकदम ऐसा रहता है मतलब नीचे ऊपर तक सही बढ़िया। हमारे यहाँ पे तो किसी का पेट निकला है, किसी का कुछ निकला है, किसी का पता नहीं क्या क्या निकला है। यहाँ की लड़कियों का भाई सारा एकदम फिट रहता है नीचे से ऊपर तक, यंग लगती है। कभी भी देखोगे तुम किसी भी लड़की को मतलब तुम्हें उम्र का अंदाजा नहीं लगा कितनी उम्र है किसी भी बंदे की भाई, मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे तुम। तो भैया यहाँ पे घूम घाम लिए सारा कुछ, यहाँ से लिए एक शर्ट, यहाँ से लिए एक शर्ट जो मिली है 350 बात की, क्योंकि कल मुझे जाना है ज़रा घूमने एक थाईलैंड के नए शहर में, इसलिए तो अभी जो है घर पे वापस जा रहे हैं। और शायद दारू पार्टी की जाएगी अभी, क्योंकि भाई मेरा जो है वैलेंटाइन डे अधूरा है, वो आज मनाया जाएगा पूरा। तो दोस्तों उस मॉल से जो है हम आ चुके हैं, दैट्स अ मॉल जस्ट नाउ आई सॉ द वीडियो, यू टोल्ड मी दैट एशियन मार्केट। तो भाई वहाँ से जो आ चुके हैं, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, सही है जगह। पर यहाँ से ना हमारे होटल से दूर था वो, लगभग 10 किलोमीटर था, इतना कुछ था, तो टाइम लग गया आने जाने में। तो अभी बस वही दारू पार्टी होगी साथ में, उसके बाद में वो जो है जो मैंने बताया था होने वाला है सारा सीन, जो बाकी रह गया था, जो अधूरा रह गया था, उसको आज पूरा कर दूंगा। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे कल मिलता हूँ, कल बनाएगा नया व्लॉग। ठीक है, लव यू, बाय बाय।